नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। सोनी टीवी पर प्रसारित किया जाने वाला कौन बनेगा करोड़पति तो सब लोगों ने ही देखा होगा, लेकिन कुछ लोग केबीसी के नाम पर भोले भाले लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला पानीपत से सामने आया है, जहां एक महिला से ठगों ने लगभग 1.5 लाख रुपए ठग लिए। साइबर ठगों ने महिला को 25 लाख रुपए जीतने का झांसा दिया और ठगी की। महिला ने बताया कि उन्हें कुछ दिन पहले केबीसी के जरिए 25 लाख रुपए जीतने का मैसेज आया था, जिसके बाद ठगों ने महिला को कभी सिक्योरिटी तो कभी इनकम टैक्स के नाम पर रुपए जमा करने के लिए कहा। इसी तरह से ठग युवती को झांसे में लेकर पैसे ऐंठते रहे। सर, उनका मैसेज फेसबुक पे आया हुआ था, तो बस मैंने सिर्फ लाइक का बटन दबाया तो उनका फिर मेरे पास मैसेज आया कि भाई आपकी 25 लाख की लॉटरी निकल गई है। तो फिर मैंने उनको व्हाट्सएप कॉल की, मैसेज किया, तो मैंने उनसे पूछा भाई हेलो क्या मामला है, ऐसे आप क्यों कह रहे हो भाई मेरी 25 लाख की लॉटरी निकली है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैडम आपकी, आपको बधाई हो, कंग्रेचुलेशन, तो आपकी 25 लाख की लॉटरी निकली और आपका पैसा अकाउंट में आने ही वाला है, आप हमें अपना अकाउंट नंबर दीजिए। तो उन्होंने मुझसे 12 हजार मांगे, तो मैंने उनको 12 हजार दिए। फिर उन्होंने मुझसे सिक्योरिटी चार्जेस मांगे, मैंने वो भी दिए 25 हजार रुपए। फिर उन्होंने मुझसे 32 हजार रुपए मांगे इनकम टैक्स का। फिर उन्होंने मुझसे 30 फिर मुझसे उन्होंने 30 हजार मांगे। फिर उन्होंने मुझसे 22 हजार और मांगे, भाई ये चीज हम आपके ट्रांसफर करेंगे, आपका पैसा आ चुका है और इनकम टैक्स वाले आपके पास आने ही वाले हैं ये पैसा लेकर, तो आप हमें ऐसे ऐसे करके पैसा दीजिए। तो जब उन्होंने मुझसे 45 हजार लास्ट में मांगे ना सर, कि भाई मैं चेक साइन कराने के 45 हजार हमें दीजिए, तो उसके बाद मुझे इनके ऊपर शक हुआ कि भाई ये फ्रॉड है, तो फिर मैंने इनके ऊपर कार्रवाई की। टोटल कितने पैसे दिए आपने? मैंने इनको दे चुकी 1.5 लाख। पैसे क्या आपके पास थे? वो नहीं जी, वो मेरी मम्मी के थे। वहीं इस मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी हेडक्वार्टर पूजा डाबला ने बताया कि युवती ने केबीसी के नाम पर धोखाधड़ी की शिकायत दी है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये हमें 29/9/21 को एक दरखास्त प्राप्त हुई है थाने में, मॉडल टाउन में, जिसमें ये बताया गया कि 21 तारीख को उस जो महिला थी उसके फेसबुक पे एक मैसेज आया, जिसमें कि उसको एक मैसेज आया कि आप इस लिंक को क्लिक करो और आपको 25 लाख रुपए जो है आप इनाम जीत जाओगे एज ए लॉटरी या जो भी था। उसके बाद उसको व्हाट्सएप कॉल भी आनी शुरू होगी, तो व्हाट्सएप कॉल में उनको ये बताया गया क्योंकि आपको 25 लाख रुपए मिल रहे हैं तो आपको कुछ टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, तो उन्होंने कभी कुछ 12 लाख कभी कितने करके उसमें थोड़े थोड़े अमाउंट में लगभग 1.5 लाख रुपए जो है जो भी उन्होंने अकाउंट नंबर व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कराए उसपे डालते गए, तो लगभग 1.5 लाख रुपए जब उसके चले गए तो देन शी रियलाइज कि कुछ गलत हो रहा है और हमें वापस कुछ नहीं आया। फिर जो है उन्होंने हमें एक शिकायत दी जिसपे की FIR दर्ज कर दी गई सेम डे। इस तरह के मामले आज हमारे समाज में बढ़ते ही जा रहे हैं। लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की जीवन भर की कमाई एक झटके में हथिया लेते हैं। ऐसे में जरूरत है कि सरकार इन ठगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और लोगों को भी इन ठगों से सावधान करे। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।